भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब ऐसे अत्याधुनिक और हाईटेक विमानों में विदेश यात्रा कर पाएंगे जिनको दुश्मन की बुरी निगाहें छू भी नहीं पाएंगी। भारत के दो बोइंग 777 विमान को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि उस पर मिसाइल हमले करना असंभव होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरफोर्स वन की तर्ज पर यह विमान लार्ज एयरक्राफ्ट इन्फ्रेट काउंटर मेजर यानी LAIRCM से लैस होंगे। ये ऐसी तकनीक जिससे इन विमानों पर मिसाइलों से हमला संभव नहीं होगा। इन विमानों को एयर इंडिया वन या इंडियन एयरफोर्स वन का नाम दिया जा सकता है। फ्लाइंग ओवल ऑफिस से भी हाईटेक। इन दो बोइंग 777 विमानों को दुनिया भर के एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम जैसे मिसाइल वार्निंग काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम और इनक्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। ये दुश्मन के रडार को जाम कर सकते हैं और उनके मिसाइलों का रास्ता भी बदल सकते हैं। इसमें प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के चर्चित फ्लाइंग ओवल ऑफिस से भी हाईटेक होंगे। इन नए विमानों में पीएम मोदी के लिए कार्यालय बैठक कक्ष होगा। इसके अलावा ये विमान आधुनिक संचार प्रणालियों से लैस किए गए हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन में इस्तेमाल किया गया सेल्फ प्रोटेक्शन सूट यानी SPS भी होगा। कितनी खास होगी ये तकनीक? इस तकनीक के जरिए मिसाइल हमले के डर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसके जरिए एक ऐसी लेजर बीम निकाली जा सकती है जो मिसाइल गाइडेड सिस्टम को मात दे सकती है। इसके जरिए एडवांस मिसाइल सिस्टम को भी चकमा दिया जा सकता है। इसमें चालक दल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये उन्नत इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर सकता है। इसके तुरंत बाद ही पायलट को सूचना मिल जाएगी कि एक मिसाइल का पता लगाया गया और उसे जाम कर दिया गया। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी ने अपने पेट्रोल जेट और CH-53 सुपर हेलीकॉप्टर के लिए शुरू किया था। लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स की वजह से बड़े विमानों को पोर्टेबल या कंधे से फायर की गई मिसाइलों से बचाया जा सकता है। विमान पर यह सिस्टम लगाने से विमान के क्रू को मिलने वाला वार्निंग टाइम बढ़ सकता है और फॉल्स अलार्म रेट घट जाता है। इसके अलावा विमान खुद ही एडवांस इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम का जवाब दे सकता है। इसमें क्रू मेंबर्स को कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है। कौन कौन करता है इस्तेमाल? अमेरिकी नेवी के अलावा इस तकनीक का इस्तेमाल कई राष्ट्राध्यक्षों द्वारा किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरफोर्स वन LAIRCM और डिफेंस सिस्टम का मिश्रण है। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने LAIRCM सिस्टम को अपने C-130J के लिए खरीदा था। इसराइल के पास अपना डिफेंस सिस्टम है जो वो अपने राष्ट्राध्यक्ष और यात्री विमानों में इस्तेमाल करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का एयरक्राफ्ट कथित तौर पर इजरायली सिस्टम से लैस है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान रूसी डिफेंस सिस्टम से लैस है। 2020 तक आएंगे भारत। भारत के अनुरोध पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने दो बोइंग 777 विमानों की विदेशी मिलिट्री सेल को मंजूरी दे दी थी। जनवरी 2018 में ही ये दोनों विमान भारत को मिल चुके हैं। फिलहाल ये दोनों विमान अमेरिका की बोइंग डिफेंस कंपनी के पास हैं, जहां इन्हें एडवांस और लेटेस्ट सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल की शुरुआत तक ये दोनों भारत आएंगे। इस डील के लिए भारत को 1400 करोड़ का खर्च आया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा यात्रा के लिए अब तक प्रयोग किया जा रहा एयर इंडिया का बोइंग B-747 विमान करीब 26 साल पुराने हैं।